गृहमंत्री अमित शाह ने आज फिर पश्चिमी यूपी में संभाली बीजेपी के प्रचार की कमान। मुजफ्फरनगर में किया प्रचार, तमाम नेता कार्यकर्ता नजर आए साथ। अमित शाह ने कहा, भूला नहीं हो मुजफ्फरनगर दंगे का दर्द, एसपी सरकार में था माफिया राज। क्या भूले हैं क्या दंगे? जरा बोलिए जोर से, भूले हैं क्या? भूले हैं, गलती कर दी। अमित शाह ने किया सवाल, अखिलेश ने किसानों के लिए किया क्या? बीजेपी किसानों का कर्ज माफ कर चुकी है, चुकाया किसानों का बकाया। सहारनपुर में भी आज अमित शाह करेंगे प्रचार, बीजेपी के प्रचार अभियान को देंगे गति। शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, सहारनपुर और गौतम बुद्ध नगर जिले में होगी पीएम मोदी की वर्चुअल रैली। बीजेपी ने साझा किया नया प्रचार वीडियो, जो 15 साल में नहीं हुआ उसे 5 साल में करने का दावा, लिखा आएगी बीजेपी ही। यूपी में बरेली पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रचार से पहले की पूजा, हनुमान मंदिर में किया पूजन अर्चन। बरेली में जेपी नड्डा ने किया डोर टू डोर कैंपेन, समर्थकों की दिखी भीड़। जेपी नड्डा आज अखिलेश के गढ़ इटावा में भी बीजेपी के प्रचार अभियान को देंगे गति, करेंगे डोर टू डोर कैंपेन। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश पर वार, ट्वीट में लिखा, अखिलेश को ना कोरोना टीका पसंद और ना ही माथे पर टीका पसंद। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी का पलटवार, कहा बीजेपी सत्ता फैला रही धार्मिक उन्माद। सीएम योगी आज मुरादनगर और बागपत में करेंगे संपर्क, जमकर करेंगे प्रचार। मुरादनगर में योगी का घर घर संपर्क का भी कार्यक्रम, गिनाएंगे सरकार के काम। डिप्टी सीएम केशव मौर्य आज बिजनौर में होंगे, पार्टी का करेंगे प्रचार। 2017 में पश्चिमी यूपी में बीजेपी को मिली थी 109 सीटें, इस बार प्रदर्शन दोहराने की चुनौती। आज गाजियाबाद में होंगे जयंत और अखिलेश, करेंगे साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने आज किया नामांकन, अमृतसर पूर्व से भरा पर्चा। पंजाब में आम आदमी पार्टी के सीएम पद के उम्मीदवार भगवंत मान ने भी किया नामांकन, दूरी विधानसभा सीट से भरा पर्चा। सचिन पायलट ने किया दावा, पंजाब में सीएम फेस कर जल्द ऐलान। गोवा में आज टीएमसी और एमजीपी जारी करेगी मैनिफेस्टो। मणिपुर में जल्द प्रचार के लिए जाएंगे प्रियंका और राहुल, कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण ने किया ऐलान। पश्चिमी यूपी में एक साथ मीडिया के सामने आया अखिलेश यादव और जयंत चौधरी, किसानों को बीजेपी से किया सावधान। मुजफ्फरनगर में अखिलेश ने किसानों को दिलाया भरोसा, बोले कोई भी काला कानून लागू नहीं होने देंगे। अखिलेश यादव ने किसानों से किए ढेरों वायदे, बोले 15 दिनों में मिलेगा गन्ना का भुगतान, 300 यूनिट बिजली फ्री। मुजफ्फरनगर में अखिलेश यादव ने जमकर किया बीजेपी परिवार, बोले पुराने मुद्दे उठा रही सत्तारूढ़ पार्टी। अखिलेश ने आरएलडी के मुखिया को बीजेपी के नियोता का दिया जवाब, बोले आप समझ सकते हैं कि सत्तारूढ़ पार्टी की क्या हालत हो गई है। एन बजट से पहले सरकार का बड़ा फैसला, डॉक्टर वी अनंता नागेश्वर मुख्य आर्थिक सलाहकार तैनात। बजट सत्र से पहले सरकार करेगी सर्वदलीय बैठक, 31 जनवरी को 3 बजे होगी बैठक। कांग्रेस के संसदीय स्ट्रैटेजी ग्रुप की हुई बैठक, बजट सत्र की रणनीति पर मंथन। संसद के सत्र से पहले स्पीकर ओम बिरला पहुंचे संसद, सत्र की तैयारी से लेकर सुविधाओं का लिया जायजा। कोरोना को लेकर केंद्र सरकार गंभीर, 5 राज्यों के हालात पर आज होगा मंथन। हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया करेंगे बैठक, बिहार, ओडिशा, झारखंड, बंगाल और छत्तीसगढ़ में हालात पर होगी बात। भारत बायोटेक को नाक के जरिए ली जाने वाली कोरोना बूस्टर डोज के ट्रायल की इजाजत, ड्रग कंट्रोलर से मिली हरी झंडी। एक और कोरोना वेरियंट न्योकोव मिला, चमगादड़ों में मिला नया वेरियंट। दिल्ली में घटे कोरोना केस, 4,000 नए केस लेकिन 25 मौत से बढ़ी फिक्र। राजस्थान में रीट परीक्षा का पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डीपी जारौली बर्खास्त। स्ट्रांग रूम से लीक हुआ था रीट परीक्षा का पेपर लीक से जुड़े सभी कर्मचारी निलंबित।
राजस्थान में कोरोना केस में कमी नहीं, लेकिन गहलोत सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू हटाने का किया फैसला। नागपुर में दर्दनाक हादसा, डिवाइडर से टकराकर पलटी कार में लगी आग, एक शख्स की मौत। पानीपत में विजिलेंस टीम ने जिला बागवानी अधिकारी को 30,000 रिश्वत लेते किया गिरफ्तार, हाल ही में किए गए थे सम्मानित। देश में कोरोना की तीसरी लहर की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ी, पिछले 24 घंटे में सामने आए 2,35,532 केस। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से मौत का आंकड़ा डराने वाला, 871 लोगों की मौत। केरल में कोरोना का कहर, पिछले 24 घंटे में सामने आए 54,537 नए केस। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में सामने आए 31,000 से ज्यादा नए कोरोना केस। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में 26,533 नए कोरोना के मामले। मुंबई में भी घटे केस, 24 घंटे में सिर्फ 1,300 नए केस। महाराष्ट्र करीब 25,000 नए केस, 103 की मौत। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 12,561 नए कोरोना केस। पिछले 24 घंटे में चेन्नई में 5,000 से ज्यादा कोरोना केस बढ़े। आसाम के गोलपाड़ा में तालाब में फंसे 6 हाथी, वन महकमे ने बचाई जान। गुरुग्राम में खुला देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, 100 चार्जिंग पॉइंट स्टेशन लगे, एक दिन में 500 गाड़ियां हो पाएंगी चार्ज। रामपुर में बर्फबारी से बंद तीनों नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक बहाल, वाहनों की आवाजाही शुरू। पुणे में कोरोना का कहर कुछ कम, फिर से शुरू हुआ रैम्बो सर्कस।